हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पेपर जो है उसे सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है उनका 2011 का पेपर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारे लैब असिस्टेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुराने पेपर्स होते हैं उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, यानी प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने प्रस्तुत किया था? तो वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने, 1859 में इसे दिया था, नेचुरल सेलेक्शन इवोल्यूशन की जो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय, यानी कार्ट व्हील संरचना जो है दर्शाती है, तो जो सेंट्रियोल है उसकी जो संरचना है वो कार्ट व्हील जैसी होती है। नेक्स्ट है, माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स आर फाउंड इन, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स जो हैं वो पाए जाते हैं ओवम में, यानी जो ऊ साइड्स हैं जीनोफस लेविस के, उसके ऊ साइड्स में जो है ये माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड पाया जाता है। ये एक फ्रॉग है जो बेसिकली अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन इज, यानी स्त्री में निषेचन स्थल होता है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जो स्पर्म एंड ओवा जो है मिलके और फर्टिलाइजेशन करते हैं फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। नेक्स्ट है, चूज द ऑड वन, इनमें से हमको ऑड वन जो है चूज करना है, तो माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक एंड न्यू सेलस, ये सारे जो है पार्ट होते हैं। पॉलन ग्रेन जो है इनमें से ऑड है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्फिग्नोलिपिड्स से जो है कौन सा स्ट्रक्चर इसमें बना है, तो जो माइलिन शीत होती है स्फिग्नोलिपिड्स से बनी होती है, से निर्मित संरचना है माइलिन आच्छद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स सिक्रीटिंग हिस्टामिन जो है कौन सिक्रीट करता है, तो मास्ट सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, और इसके अलावा जो बेसोफिल्स हैं वो भी हिस्टामिन का सिक्रीशन करते हैं, मास्ट कोशिकाएं जो हिस्टामिन का श्रावण करती हैं। नेक्स्ट, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, आम का खाने योग्य भाग जो है वो होता है उसका मीजोकार्प जो है, जो फ्लैशी मीजोकार्प होता है वो उसका एडिबल पार्ट होता है, से ये जो है आम है, और ये इसकी बाहरी कवरिंग है, आउटर कवरिंग, और इसका जो बीज रहता है वो अंदर रहता है, और ये जो फ्लैशी रीजन है इसका ये एडिबल होता है, एंड इसे हम मीजोकार्प कहते हैं। नेक्स्ट है, द सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज, तो बैक्टीरिया जो है उनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, दैट इज़ 30S एंड 50S जो है वो मिल के इनका राइबोसोम जो होता है सब यूनिट्स है इसकी 70S की। नेक्स्ट है, वॉट फॉर पेपर्स इज फाउंड इन कंपोजिटी में पेपर्स किस लिए पाया जाता है, तो ये जो पेपर्स जो होता है वो एक हेरी स्ट्रक्चर होता है, यूं ऐसे इस तरह से जो है रहता है, और यहाँ नीचे इसके जो है बीज लगा रहता है, ऐसे गर्मियों में जो उड़ के आते हैं सफ़ेद सफ़ेद से, तो वो होते हैं एयर डिस्पर्जल के लिए ये काम आता है, जो कंपोजिटी में पेपर्स जो है वो एयर डिस्पर्जल, यानी जो सीड्स का पॉलिनेशन है थ्रू एयर, ये पेपर्स जो है मॉडिफाइड कैलेक्स होता है, और ये एक पैराशूट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो सीड है, जो बीज है, वो हवा के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, और उसके पॉलिनेशन में हेल्प होती है ये। हार्वेसियन सिस्टम इज अ सेलियंट फीचर ऑफ, हार्वेसियन तंत्र जो है विशेषता है, तो ये होता है बोन्स ऑफ एव्स एंड मैमल्स, यानी एवीज और स्तनियों की अस्थियों में जो है ये हार्वेसियन सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट है, द साइट ऑफ साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच, बीजांड का स्थान जिसमें बीजांड व्रंथ जुड़ा रहता है, तो उसे हम कहते हैं नाभिक या हीलम।
नेक्स्ट है, विच इज कॉल्ड एज ट्रिपल वैक्सीन, किसको ट्रिपल टीका कहते हैं? तो डीपीटी जो है उसे हम ट्रिपल टीका कहते हैं। ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस के लिए जो है ये लगाया जाता है, तो तीन बीमारियों के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसे फिर ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। सर्टियोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली कोशिकाएँ पाई जाती हैं, तो ये सर्टियोली सेल्स जो है वो टेस्टीज में पाई जाती हैं, जो वृषण हैं उनमें, उनकी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में जो है सर्टियोली सेल्स पाई जाती हैं। डॉट्स प्रोग्राम कंसर्न विद डॉट जो प्रोग्राम है वो टीबी के क्षय रोग उन्मूलन से ये संबंधित है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है इसका फुल फॉर्म, तो ये टीबी के लिए है। द टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स इज, जो ह्यूमन बींग्स में ज्वारी आयतन होता है वो होता है 500 ml। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक ऑफ पाइनस इज, पाइनस का एम्ब्रियो सैक जो है वो हैप्लॉइड होता है, जो उसका भ्रूण कोश है अगुणित। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय, यानी मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किया जाता है सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर, क्योंकि एक्स वाई जो है, ये वाई क्रोमोजोम जो है इससे डिसाइड होता है कि अगर वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो बॉय होगा, अगर वाई नहीं है तो गर्ल होती है। तो ये जो है क्रोमोजोम ऑफ फादर जो है उनसे पता चलता है। व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द इंटेग्यूमेंट इट इज़ कॉल्ड, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो ये क्या कहलाता है? इसे हम मीजोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फर्टिलाइजिंग इज, फर्टिलाइजिंग के लिए जो है क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? ये एक तरह का जो है ग्लाइकोप्रोटीन होता है विच इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवम, जो क्लैम वर्म्स होते हैं उनमें पाया जाता है ये फर्टिलाइजिंग ओवम में, जो कि अट्रैक्ट करता है स्पर्म के डिस्पर्जल को। सो इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच द ओव्यूल इज़ नॉट कवर्ड बाय ओवरी, किसमें जो बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता है, तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें ओवरी से कवर्ड नहीं रहता है ओव्यूल, जो सीड उनकी नेकेड होते हैं। द सेलियंट फीचर ऑफ बाइल जूस इज़, बाइल जूस का की क्या विशेषता है इसमें? तो ये जो है विदाउट इंजाइम्स होता है, इसमें इंजाइम्स नहीं पाए जाते, ये फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए काम आता है, और इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डीन, जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, और ये एसिडिक नेचर का नहीं होता, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये बिना एंजाइम्स के होता है, इट इज़ विदाउट एंजाइम्स। नेक्स्ट है पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन, पोडोसाइट सेल जो है वो किस में पाए जाते हैं? तो ये पोडोसाइट सेल जो किडनी में पाए जाते हैं, जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें पाई जाती है ये पोडोसाइट सेल्स। नेक्स्ट है न्यूमेटॉक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होता है तो वो पोन्स जो होता है उसमें पाया जाता है न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। स्टेल इंक्लूड्स रम्भ में आते हैं, तो रम्भ में जो है इसमें एक तो पित्त आएगा और वैस्कुलर बंडल जो है मज्जा एंड संवहन पुल, ये दोनों इसमें आते हैं रम्भ में। और इसके अलावा इसमें पेरिसाइकल भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट इज, काउ और गोट का जो प्लेसेंटा है, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा जो है बीजपत्री अपरा पाई जाती है इनमें। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल, तो जो स्पाइनी जो स्केली एंट ईटर होता है, जाइंट एंट ईटर, तो ये सारे जो है रेप्टाइल्स जैसे इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहती है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, जो ग्राउंड भरण उत्तक है उसकी मज्जा भाग जो है वो किससे बना होता है? तो वो पैरेन्काइमा से बना होता है, यानी मृदुतक से बना रहता है, मृदुतक से।
नेक्स्ट है ऑक्सेंटिक सेल्स सिक्रीट। ऑक्सेंटिक सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, इनको हम जो है पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स को। और ये स्टमक में जो है पाई जाती है, और इनसे HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, और उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर भी ये सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी कोगुलेंट्स, निम्न में से कौन प्रतिस्कंदक है, स्कंदन है, तो इसमें से जो हिपेरिन है ये हमें पाया जाता है, और हिरुडीन जो है ये भी एक तरह का एंटी कोगुलेंट है, तो इसका जो है ए और बी करेक्ट हो जाएगा। कैस्पेरिन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ, तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है वो पाई जाती है किसमें, एंडोडर्मिस में। हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाई हेल्दी पर्सन पर डे, 40 ग्राम जो है पर डे एक्सक्रीट होता है, इसमें ऑप्शन जो है वैसे तो 25 ग्राम है लेकिन इसके क्लोज जो है इसमें दे नहीं रखा ऑप्शन, तो 40 ग्राम जो है हेल्दी पर्सन मनुष्य जो है प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है वाई क्रोमोजोम इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन, वाई क्रोमोजोम्स कम इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम, मनुष्य गुणसूत्र के किस समूह में वाई गुणसूत्र आता है, तो जो जी ग्रुप है हमारे क्रोमोसोम्स का उसमें आता है वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट है अजोला इज एन एग्जांपल ऑफ, अजोला जो है वो एग्जांपल है किसका, टेडोफाइट का। नेक्स्ट है एचआईवी वायरस इज, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रखा है, ए है रिट्रोवायरस, बी है आरएनए वायरस, डी है सी है डीएनए वायरस, एंड डी है HTLV-3, तो इसमें से हमें बताना है एचआईवी वायरस जो है उसमें उसको हम क्या क्या कहते हैं, तो एचआईवी वायरस एक रिट्रोवायरस होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए, इसे हम आरएनए वायरस भी कहते हैं, और ये इसका पुराना नाम है HTLV-3, इसको पहले जो है HTLV-3 के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है किसके द्वारा, तो जो लेडिग सेल्स हैं उनके द्वारा इनका सिक्रीशन होता है एंड्रोजन हार्मोन का। अब हमें यहाँ पे करेक्ट फूड चेन बतानी है, तो ये जो है इस तरह से नहीं होता है, ये गलत है, ईगल स्नेक ग्रास ऊपर ग्रास, और ग्रास जो है फ्रॉग को नहीं खाती, तो इसमें से देखो ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर, उसे फ्रॉग एंड देन स्नेक एंड देन ईगल, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय, जो वेजिटेटिव साइकस में कायिक जनन होता है किसके द्वारा, बुलबिल जो है, जो बुलबिल है उसके थ्रू होता है साइकस में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव। द कॉज ऑफ लेबर पेन इज, प्रसव पूर्व पीड़ा का कारण होता है, तो उसके लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो जिम्मेदार होता है लेबर पेन का। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर सेलियंट फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्कैटर्ड बिखरे हुए संवहन पूल जो है किसके तने की विशेषता है, तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनकी जो स्टेम है उसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होता है, नहीं ऑलवेज अपराइट होता है, सॉरी हमेशा सीधा होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज 3F हार्मोन, 3F हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रेनलिन जो है या एपिनेफ्रिन, इसे हम 3F हार्मोन कहते हैं, फ्लाइट फाइट एंड फियर हार्मोन है ये। नेक्स्ट है द कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज, तो जो मेमोरी ग्लैंड का कैंसर है वो होता है कार्सिनोमास, उसे हम मेमोरी ग्लैंड का कैंसर कहते हैं। सार्कोमास जो है वो मसल्स में होता है, ल्यूकेमिया जो है टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, एंड मेलेनोमा जो है ये स्किन कैंसर होता है।
विच स्टेज द कॉलिकाइचिन इनहिबिट्स माइटोसिस? कॉलीसिन समसूत्री विभाजन को किस प्रावस्था में संदर्भित करती है? तो ये जो मेटाफेज स्टेज है इसमें जो है ये इनहिबिट करता है माइटोसिस को। नेक्स्ट है, विच सिक्रीट कैल्सिटोनिन? इनमें से कौन सा सेल जो है वो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है? तो ये जो थायराइड ग्लैंड से जो है ये सिक्रीट होता है, सी सेल्स ऑफ थायराइड। ये जो इंक्रीज ब्लड 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 में जो है कैल्शियम का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो कैल्सिटोनिन जो है उसे कम करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन? हिस्टोन प्रोटीन जो है उनमें लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है, हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन एंड लाइसिन की अधिकता होती है। इसके अलावा हिस्टिडीन भी जो है इनमें होता है। नेक्स्ट है, डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विद? डेस्मोसोम जो है किससे संबंधित है? तो ये एनिमल सेल एडहेशन से संबंधित है, यानी जंतु कोशिकीय आसंजन से। इनसे सेल जो है एक दूसरे से जो है जो आसंजित रहते हैं उसे हम डेस्मोसोम कहते हैं। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर में जो है कौन सा डीएनए सेगमेंट पार्टिसिपेट करता है? तो जो रेकॉन है ये पार्टिसिपेट करता है क्रॉसिंग ओवर में, भाग लेता है ये। अ कपल हैज़ फोर गर्ल्स, एक कपल एक दंपति के चार लड़कियां हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ चाइल्ड टू बी सन? पांचवें बच्चे के लड़का होने की प्रतिशत कितनी प्रतिशत संभावना है? तो 50% चांसेस रहेंगे कि वो लड़का हो सकता है और 50% चांसेस रहेंगे कि वो लड़की हो सकती है। तो ये 50% जो है संभावना रहेगी। नेक्स्ट है, अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज़ 18% साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर बेसिस विल बी? तो जितना साइटोसिन का परसेंटेज है उतना ही ग्वानिन का परसेंट होगा। दैट मीन्स इन दोनों का 18-18% रहेगा, क्योंकि ये एक चार्ग ऑफ रूल है कि पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स की कंसनट्रेशन जो है वो सेम रहती है। तो सी की जितनी साइटोसिन की जितनी है उतनी ग्वानिन की होगी, तो 18-18% इनकी हो जाएगी। और बाकी का बच गया 64%, तो 32-32 जो है वो ए और टी, जो थायमिन और एडेनिन जो है उनकी इक्वल हो जाएगी। तो इसमें से देख लेते हैं हम, ये थर्ड वाला जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डीएनए? किसमें डीएनए होता ही नहीं है? तो ई न्यूक्लिएटेड एग, यानी जिसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया हो, केंद्रक विहीन अंडाणु में, और मैच्योर मैमलियन आरबीसी, परिपक्व स्तनी आरबीसी। तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है। तो इसका आंसर जो जो है हो जाएगा बोथ वन एंड टू, इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें डीएनए नहीं होता है। नेक्स्ट है, अ कपल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ अडॉप्टेड अ सन, लेटर ऑन दे गेव बर्थ टू ट्विंस, द ब्लड ग्रुप ऑफ द अडॉप्टेड सन इज? तो ये हम नहीं पता लगा सकते हैं, उसका कुछ भी हो सकता है, ए बी ओ। अगर ये पूछे कि उनके बच्चों का क्या होगा तो वो हम आराम से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्यूमिन एंड कोरिएंडर आर स्पाइसेस, स्पाइस यील्डिंग प्लांट्स। तो ये प्लांट्स नहीं है, ये हर्ब्स हैं। इन बोथ फ्रूट्स आर यूज, तो इनमें सीड्स जो है इनके यूज किए जाते हैं, तो बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, हमें यहाँ पे प्लेसेंटा दे रखे हैं और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला जो है एपिथिलियो कोरियल टाइप का जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है काउ और गोट में, तो इसका जो है फोर्थ हो जाएगा। हीमो एंडोथीलियल ये पाया जाता है रैबिट एंड रैट में।
हीमोकोरियल जो है वो पाया जाता है मैन एंड मंकी में, एंड सिंडेस्मोकोरियल जो है ये लास्ट बच गया है क्या, डॉग एंड कैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज, फर्टिलाइजर्स की यूज से जो है मिथेनोग्लोबिमिन ग्लोबिमिनिया जो है ये हो जाता है एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से। मिनीमाटा डिजीज़ जो है वो होता है मरकरी की वजह से होता है, एक्सेस ऑफ मरकरी। इटाई इटाई जो है वो कैडमियम की वजह से होता है, एंड सिकल सेल एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। नेक्स्ट है, द कॉज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट इज, प्लांट में हरित रोग का कारण है, तो ये जो डेफिशिएंसी होती है मैंगनीज की इसकी वजह से, और या फिर जिंक की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, और आयरन की डेफिशिएंसी से भी जो है हरित रोग हो सकता है किसमें, प्लांट्स में। नेक्स्ट है, द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज, C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है, तो RUBP जो है वो इसका, ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये सबसे पहला जो है रिसेप्टर होता है, प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2। नेक्स्ट है, RQO ऑफ ऑक्जैलिक एसिड इज, जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है ऑक्जैलिक एसिड का, जो एसिड्स रहते हैं उनका, जो ऑर्गेनिक एसिड रहते हैं उनका हमेशा RQ जो है वो 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 1 नहीं होगा, 0.7 भी नहीं होगा, 0.8 भी नहीं होगा, या पर जो 4 दे रखा है वो हो जाएगा RQ ऑफ ऑक्जैलिक एसिड्स। तो ये हमें याद रखना है कि RQ जो है जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनका हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ABA एब्सिसिक एसिड इज, तो पहला है कि इट इज़ अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ गैशियस हार्मोन ऑफ प्लांट्स, ये गलत है, तो इसका सिर्फ ओनली ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ मिसिंग है, द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम्स ओवरलैप ईच अदर, वह क्षेत्र जहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्र अति व्यापन करते हैं तो उसे हम इकोटोन या संक्रमिका जो है कहते हैं। नेक्स्ट है, द गैसेज एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है CO2 होता है, N2O है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो होते हैं, और इसके अलावा वाटर वेपर है, मीथेन है, तो ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं। हार्मोन हेल्प्स इन पार्चुरेशन इज, शिशु जनन जन्म में सहायक हार्मोन है, तो उसमें एक तो ऑक्सीटोसिन होता है और एक रिलैक्सिन होता है, तो इसका ए और सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑर्गेनेल विच आर फाउंड इन मिड पीस ऑफ स्पर्म इज, स्पर्म के जो मिड पीस है उसमें कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम जो है उसके मिडल पीस में पाए जाते हैं, और ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है, 32 सेल एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड बाई, तो 32 सेल एम्ब्रियो जो है वो बनेगा 5 क्लीवेज के बाद, और 5 क्लीवेज, ठीक है, तो ये, और यहाँ 32 माइटोसिस, तो 31 माइटोसिस होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 32 सेल्स, क्योंकि एक माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 बनेंगे, तो 31 के बाद जो है तो टोटल 32 सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे, और 5 क्लीवेज होने चाहिए फॉर 32 एम्ब्रियो सेल एम्ब्रियो के लिए, तो इसका आंसर जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्ब्रियो विद ब्लास्टोफोर इज कॉल्ड, ब्लास्टोफोर से युक्त भ्रूण कहलाता है, तो उसे हम गैस्ट्रुला कहते हैं, एक ओपनिंग जैसी बन जाती है जिससे बाद में जो है माउथ बनता है। विच एग बियर्स माइक्रोपाइल, किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है, तो ये माइक्रोपाइल जो है वो पाया जाता है
जो इंसेक्ट्स हैं, जो सेंट्रल लेसिथल एग हैं इंसेक्ट्स के, उनमें पाया जाती है माइक्रोपाइल। ये कैप होती है इंसेक्ट के एग की। नेक्स्ट है ग्रेगेरियस एंड क्रेपस्कुलर एनिमल विच एग्जिबिट्स कॉप्रोफेजी। युति है संध्याचर प्राणी जो समलभोजिता दर्शाता है। तो ये रैबिट हो जाएगा इसका आंसर। कैप्रोफेगस वो होते हैं जो एनिमल्स अपना खुद का ही एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है खा लेते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्कैरिस इज, एस्कैरिस की उत्सर्जी सर जो रचना है वो होती है एच शेप की, एच आकृति की होती है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है कि उसमें जो सिस्टॉल है वो तो अचानक से होता है, सिस्टॉल अचानक होता है मतलब सडन होता है, एंड डायस्टॉल जो है वो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। सेकेंड इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स इन टेप वर्म इज कॉल्ड एज, फीतावर्म में ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का अलग होना कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं अपोलाइसिस। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल्स इन बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस, एस्कैरिस की जो देहामित्ती में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है, तो टोटल जो है 600 सेल्स पाई जाती हैं उसमें। नेक्स्ट है कैंथरीडीन प्राप्त किया जाता है, कैंथरीडीन इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो ये जो ब्लिस्टर बीटल्स हैं, ब्लिस्टर बीटल से जो ये कैंथरीडीन जो है ऑप्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्ट नहीं है, तो एपिकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से होता है, हनी बी जो है उससे रिलेटेड है, सीरी कल्चर जो है वो सिल्क मॉथ यानी रेशम का कीट पालन से होता है, वर्मी कल्चर जो है वो अर्थवॉर्म से होता है यानी केंचुए से होता है। तो इसका जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा कि पीसी कल्चर जो है वो पर्ल ऑयस्टर के लिए नहीं है, ये फिश के लिए है, फिश का जो रियरिंग वगैरह होती है उसको पालना जो होता है वो पीसी कल्चर में होता है, तो ये इसमें ये इनकरेक्ट पेयर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जीएम वेराइटीज आर नॉट बिंग आर नाउ बिंग कल्टिवेटेड वाइडली, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक की रूपांतरित किस्मों को वृहद स्तर पर उगाया जाता है, तो इसमें जो जो कॉटन एंड सोयाबीन है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको अब जो है बहुत ज़्यादा स्केल पे उगाया जाता है। नेक्स्ट है द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली पोएसी इज, तो पोएसी का जो फ्लोरल फार्मूला है वो हो जाएगा ये थर्ड वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है, एरिस्टोटल लैंडिन इज फाउंड इन, एरिस्टोटल की लैंडिन जो है वो सी अर्चिन में पाई जाती है। नेक्स्ट है विच व्हाट इज कॉमन अमंग अर्थवॉर्म स्क्लोरोपेंड्रा एंड कॉकरोच, कैंचुए स्क्लोरोपेंड्रा और कॉकरोच में क्या समानता है, तो इसमें समानता है कि इनका मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, वास्तविक विखंडन और काइटिनी बाह्य कंकाल होता है इनका। नेक्स्ट है हमें पूछा है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज सेलियंट फीचर ऑफ, जल संवहन तंत्र विशेषता है किसकी, तो ये विशेषता है एक तो पोरीफेरा की होती है और इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा जो है उनमें पाया जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बाय रेडियल एनिमल विच बियर लैसो सेल्स, द्विअरीय प्राणी जिसमें लैसो कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका जो बिरोई है, बिरोई ये हो जाएगा। इसके अलावा जो टीनोप्लाना है
ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में बाय रेडियल ये एनिमल्स हैं जिनमें लैसो सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। बकल डायवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड आर फाउंड इन। बकल डायवर्टिकुलम और प्रोबोसिस ग्रंथि पाए जाते हैं किसमें? बैलेनोग्लोसिस जो है उसमें पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट है ये ट्री नहीं, ये ट्रू प्लेसेंडा है, इज फाउंड इन, वास्तविक अपरा पाया जाता है। तो ये सिर्फ जो यूथीरियंस हैं उनमें पाया जाता है ट्रू प्लेसेंडा। नेक्स्ट है विच स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड आफ्टर पार्चुरेशन। तो प्रोलैक्टिन जो है वो स्टिमुलेट करता है स्तन ग्रंथियों से दूध के श्रावण को। रेट ऑफ क्लीवेज अल्फा वन अपॉन अमाउंट ऑफ योक इज अ रूल। तो ये रूल जो है किसने दिया था? बलफोर का नियम है ये कि दर जो है अल्फा नहीं, ये डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है, रेट ऑफ क्लीवेज इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अमाउंट ऑफ योक जो है ये है बलफोर का नियम है। नेक्स्ट है कंसर्न विद नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के नामकरण से जो हमें दो यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम दे रखे तो इनमें से पूछा है कि कौन सा जो रिलेटेड है, तो विटाकर ने किया था और स्ट्रीकलैंड जो है ये भी इससे रिलेटेड है, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे मैच करना है इसमें जो एव्स हैं उनमें एक ओवरी पाई जाती है, एव्स का हो जाएगा सी, ए का सी, एक में ही दे रखा है। फिर मैमल्स जो हैं बी का हो जाएगा, डी कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस कैलोजम पाया जाता है, और एम्फीबियंस जो है उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, एंड इलास्मोब्रैंकी जो है वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, तो ये जो है यूरोकॉर्डेटा है इनमें पाया जाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म मेटामॉर्फोसिस। करेक्ट फॉर अमीबा इज, यहाँ पे अमीबा के बारे में हमें दे रखा है और पूछा है कि इनमें से सही क्या है। तो पहला है जूट्रॉफिक, तो ये सही है कि वो जूट्रॉफिक होते हैं, और लेंटिक एंड देन ये होते हैं ए सेल्युलो। तो ए बी और सी है, मोनेरा में नहीं होता ये। तो अमीबा के लिए ए बी और सी जो है तीनों सही हो जाएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलट फिश नॉक्रिटिस इज, शार्क और पायलट फिश नॉक्रिटिस के मध्य का संबंध है, तो इनमें होता है कमेंसलिज्म का संबंध होता है, सहभोजिता का संबंध जो है होता है। द कॉज ऑफ मिनीमैटा डिजीज इज, तो एक्सेस ऑफ एच जी, मरकरी की अधिकता से जो है मिनीमैटा रोग होता है। द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज, पौधे में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत होता है, तो 80-90% जो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, तो प्योर वाटर का जो है वाटर पोटेंशियल भी जीरो होता है और ऑस्मेटिक पोटेंशियल भी जो है दोनों जीरो होते हैं, यानी शुद्ध जल में जल विभव और परासरण विभव दोनों शून्य होते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का एडिबल पार्ट जो है क्या है इसमें से? तो उसका हम जो है सीड भी खा सकते हैं और उसका एंडोस्पर्म दोनों, जो उसका पानी होता है। नेक्स्ट है द पेयर पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग ऊ जेनेसिस इज, तो ऊ जेनेसिस के टाइम जो पोलर बॉडी बनती है वो होती है हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, अंडजनन में निर्मित ध्रुव काय जो है वो अगुणित होता है। द डिविजन इन क्लीवेज इज, विदलन में होने वाला विभाजन है, तो ये होता है माइटोसिस विथ ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था सहित समसूत्री होता है जो डिविजन होता है। द यूनिट ऑफ
कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोचेज, कॉकरोच में संयुक्त नेत्र की इकाई है, तो वो होती है ओमेटीडियम जो है, या नेत्रांशक, ये उसकी यूनिट होती है। कॉकरोच में कंपाउंड आईज पाई जाती हैं। हेक्साकेंथ लार्वा स्टेज जो है वो किस में पाई जाती है? हेक्साकेंथ लार्वा अवस्था है किसकी? तो टेपवर्म जो है, जो फीता कृमि है, उसमें पाई जाती है हेक्साकेंथ लार्वल स्टेज। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करना है। मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप अकर्स ड्यूरिंग डे, तो ये जो है बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम जो असेंट ऑफ सैप होता है, अधिकतम रस रोहण दिन के समय होता है। वाटर ट्रांसपिरेशन जाइलम से होता है, तो ये भी ड्राई सॉइल से ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि अधिकतम रसारोहण दिन के समय होता है। विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए, किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं? तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे हम क्या कहेंगे? काइमेरिक डीएनए कहेंगे। पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट्स, निम्नलिखित में से दाल वाले पौधे कौन से हैं? तो दाल वाले पौधे जो है, एक तो जिया है और उसके अलावा विग्ना, ये दोनों जो है दाल वाले पौधे हैं। नहीं, जिया मेज है ये तो, पाइसम एंड विग्ना जो है इसमें दाल वाले पौधे हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, पाइसम एंड विग्ना। एक से ओवरीज इन अर्थवॉर्म आर फाउंड इन, केंचुए में अंडाशय स्थित रहता है, तो जो 13 सेगमेंट है उसका 13वां खंड, वहाँ पे पाई जाती हैं ओवरीज। नेक्स्ट है गटेशन इन प्लांट अकर थ्रू, पौधे में बिंदु श्रावण होता है, तो वो होता है जो हाइड्रोथ्रोट्स फाउंड ऑन लीव्स, पत्तियों के जल रंध्रों के द्वारा होता है गटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट डीएनए इज अ यूजफुल टूल इन, अनुषंगी डीएनए एक उपयोगी साधन है फॉरेंसिक साइंस में, न्यायालय विज्ञान में जो है ये एक यूजफुल टूल होता है। इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म सीटे आर एब्सेंट, केंचुए के किन खंडों में शंकों का अभाव होता है? तो एक तो इसमें जो है फर्स्ट में एब्सेंट रहते हैं, लास्ट में भी एब्सेंट रहते हैं, उसके अलावा 14, 15 एंड 16 इनमें भी एब्सेंट होते हैं, तो ए बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें जो है शुंकों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द रॉन्ग, इसमें से हमें गलत बताना है। तथा तो गलत का चयन करें। तो जो रैबिट है उसमें लैरिंग्स होती हैं, पिजन में सायरिंग्स होती हैं क्योंकि बर्ड्स की जो है सायरिंग्स हैं, एंड फ्रॉग जो है फ्रॉग में वोकल सैक्स होते हैं, एंड कॉकरोच में एनल सरसी यानी गूद लूम होता है। तो इसमें हमें इसका जो है ए का सी, थर्ड वाला जो है इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो जो गैंग रिवर डॉल्फिन है, गंगा नदी की डॉल्फिन जो है, उसे हमें राष्ट्रीय जलीय प्राणी का नाम दिया गया है। चूज द इनकरेक्ट पेयर, हमको यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर जो है वो चूज करना है। तो राइनोसोरस यानी गेंडा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है, एलिफेंट पेरियार
नेशनल पार्क केरल में है, एंड लायन जो है वो गिर के जंगल, गिर में पाया जाता है गुजरात में, सरिस्का जो है वो टाइगर के लिए है, तो इसमें यही जो है इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा, मस्क डियर केदारनाथ एंड उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड वेन द सेशाचलम बायोस्फीयर वॉज इस्टेब्लिश, सेशाचलम जीवाश्म जीवमंड की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है, वेन द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलोइडल मटीरियल फ्रॉम देयर मिक्सचर, पद्धति जिसके द्वारा विभिन्न कोलोइडी पदार्थों को उनके मिश्रण से अलग किया जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर TEM, TEM के लिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है इनमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन आर यूज इन प्लेस ऑफ लाइट, तो ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज इन प्लेस ऑफ ग्लास लेंसेज, ये भी सही है। ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाई आइज, ये इसमें गलत है, तो इसका ए और बी जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, करेक्ट फॉर गोल्डन राइसेस, गोल्डन राइस के लिए इसमें से क्या सही है, राइस विद बीटा कैरोटीन, बिल्कुल सही, येलो इन कलर, ये भी सही है, इट इज़ अ जीएम राइस, तो तीनों सही है इसके लिए, ए और बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायग्नोस्टिक टेक्निक, हमें यहाँ पे दे रखा है, इनमें से डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है सिर्फ एलिसा है, ये एड्स के लिए होता है। वॉट इज जाइमोजन, जाइमोजन जो है वो क्या है, तो ये एक इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद है ये जाइमोजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू डिपिक्ट द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसमें से जो है सही हो जाएगा कि पॉजिटिव साइंस होनी चाहिए। धनात्मक विज्ञान और बिहेवियरल साइंस, तो ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो है पेपर सॉल्व करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।